मेरे फादर 1965 में बीए किए हुए थे, 5 सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद छठवीं से रिटायर हुए। जीवन में क्या हासिल किया नौकरी करके? जीवन उन्होंने हासिल किया एक स्कूटर, एक बस्ती में 3-4 कमरे का घर और एक बच्चे को हायर एजुकेशन, मेरे को एक इंजीनियर, इंजीनियरिंग तक की हायर एजुकेशन और रिटायर। मैं भी उसी पदचिन्हों पर चलता रहता तो मेरे जीवन में क्या होने वाला था? वही कुछ होने वाला था। वो एक बच्चे को पढ़ा पाए थे, मैं 2 बच्चों को पढ़ा लेता ज्यादा से ज्यादा। वो एक स्कूटर ले पाए तो हो सकता है कि मैं छोटी मोटी कार ले लेता। वो एक बस्ती में घर बना पाए थे 2-3-4 कमरे का, मैं एक छोटी सी किसी कॉलोनी में जाकर 2-3-4 कमरे का घर बना लेता और मैं भी रिटायर हो जाता। जीवन में कुछ भी नहीं होता। वो कभी हवाई में नहीं बैठ पाए थे, मैं भी कभी हवाई में देश विदेश की यात्रा नहीं कर पाता, कभी लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाता, लेकिन मेरे सपने बड़े थे, इसलिए मैंने चुनाव किया इस बिजनेस को कि यहां से ये पूरे हो सकते हैं। मैंने कार का सपना बनाया, मैंने देश विदेश की यात्रा का सपना बनाया, मैंने अच्छे बीच में से बजाने का सपना बनाया, अच्छा एक बंगला बनाने का सपना बनाया और 6 फिगर में इनकम लेने का बंगला बनाया, क्रूज में यात्रा करने का सपना अपना बनाया। ये सब सपने मैंने बनाए और दोस्तों ये सपने कई साल पहले मेरे पूरे हो चुके हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत, और सपना वो नहीं जो मुंगेरी लाल के असीम सपने जरा सोच से सोचते देखने। आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, किन चीजों की आपको तड़प है एक्चुअली जीवन में, किन चीजों की कमी महसूस कर रहे हो, आप फील करो। आज आपके पास कार नहीं है तो कैसा लगता है? आपके पास एक अच्छी जगह पर घर नहीं है तो आपको कैसा लगता है? आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं तो आपको कैसा लगता है? आज तक आपकी उम्र हो गई 20-30-40-50-60 साल, आज तक आप हवाई जहाज में नहीं बैठे, आपको कैसा लगता है? आज तक आपका पासपोर्ट नहीं बना, आज तक आप विदेश नहीं गए, आपको कैसा लगता है? आज तक कभी भी आपने अपनी मैडम के साथ जाकर के कभी बीच पे जाकर के कभी आनंद नहीं लिया, कभी आप क्रूज पे नहीं गए, आपको कैसा लगता है? कभी भी आप अपनी मैडम को मनचाहा गिफ्ट नहीं दे पाए, आपको कैसा लगता है? वो सब सपना वो है जिन चीजों का आपके जीवन में अभाव है, वो ही एक्चुअली आपके सपने, वो ही आपका कारण है इस बिजनेस को करने का। हो सकता है हर व्यक्ति के कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी का कारण हो सकता है इस बिजनेस में आकर के कर्जा चुकाने का, कर्जा हो रखा है कर्जा चुकाई। किसी का कुछ कारण हो सकता है, किसी का कुछ कारण हो सकता है, किसी का कुछ कारण हो सकता है। तो अपना आज कारण फाइंड आउट करो कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। अगर आज आपका क्यों क्लियर हो गया तो कैसे करना है यह बताने के लिए तो सिस्टम भी है और हमारे पास लीडरों की अथाह लाइन लगी हुई है, हर व्यक्ति आपको समझा देगा कि इसको ऐसे करना है, लेकिन क्यों करना है ये आपको फाइंड आउट करना है। आप अपना क्यों फाइंड आउट करो कि मैं क्यों करूं यह बिजनेस, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति का क्यों बड़ा है तो उसको छोटी मोटी जो समस्याएं होती है ना वो छोटी लगेंगी। एक बात बोली जाती है, जिसके सपने बड़े हैं उसको समस्याएं छोटी लगेंगी और जिसकी सपने छोटे हैं उसको समस्याएं बड़ी दिखने लग जाती है। कारण ढूंढो आज, क्यों करना है मेरे को ये बिजनेस। अगर ये क्यों करने का कारण अगर आज आपको मिल जाए दोस्तों, और वो कारण आपका है, किसी और का नहीं है, और कारण अगर आपका है और जब तक जो चीज अपने जीवन में चाहते हो तब तक वो मिलना जाए, तब तक रुकना नहीं, तब तक थकना नहीं, तब तक मानना नहीं, किसी दूसरे की बातों में नहीं आना। क्यों करना है ये बिजनेस, याद करो इस बिजनेस को जिस दिन आपने स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग काम करने के बाद धीरे 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 करके सपने मरने लग जाते हैं। लोग जब मार्केट से नेगेटिव फीडबैक हमको मिलता है तो धीरे धीरे करके हम क्या है अपने कारणों पर ध्यान ही नहीं देते, अपने सपनों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो से हमारे जो सपने, हमारे जो कारण है, हमको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं आगे बढ़ने के। 2005 में, 2004 में जब मैंने बोल दिया था कि मैं कार लूंगा और मैं एक बस्ती में ऐसी जगह पर रहता था जहां आसपास किसी के पास कार नहीं थी, किसी रिश्तेदार के पास कार नहीं थी, उस जिस जगह पर रहता था उस लाइन में किसी के पास कार नहीं थी, उस एरिया में किसी के पास कार नहीं थी 2004 में जब मैंने बोला था मैं कार लेकर के आऊंगा। तो जब मैं वहां से निकलता था अपनी गली से,
तो मेरे बहुत सारे लोग मेरे को रोक रोक के पूछते भाई तेरी कब कार आ रही है, क्या हुआ तेरी कार का? तो मेरे पास एक कारण तो ये था कि मैं उनकी नेगेटिव बात सुन करके हाथ जोड़ करके बैठ जाऊं और इस बिजनेस को क्विट कर दूं कि यार क्या पंगा ले लिया। और दूसरी बार पास मेरे पास मौका था कि वो कार थी जो मेरे को लेकर के उन लोगों को दिखानी थी, वो मेरे पास, मैंने उस कारण को और मजबूत बनाया कि यार कुछ हो या ना हो इन लोगों को तो कार लेकर के दिखानी है। तो दोस्तों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सेफ्सो में आने के बाद मैंने मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, सीधी की सीधी मैंने कार खरीदी, क्योंकि मेरे को कार लेकर के दिखानी थी और लोगों का मुंह बंद करना था। तो दोस्तों अपने कारण को मजबूत बनाइए। तो याद करिए कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो क्यों स्टार्ट किया था, वो सपने आपको ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे। तो एक सही कारण की तलाश करना ही क्या है, एक अपना गोल सेटिंग है, अपना कारण। तो कारण निर्धारित करिए और छोटे मोटे कारण निर्धारित करके अपना काम करना है। क्या आपका सपना है? आपका सपना हो सकता है अपना खुद का घर बनाना, आपकी कार लेने का अपना सपना हो सकता है, आपके अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना आपका सपना हो सकता है, देश विदेश की यात्राएं करना, मौज मस्ती करना, अपने बच्चों को ट्रिप पर लेकर के जाना, ये आपका सपना हो सकता है, माता पिता के लिए कुछ करना आपका सपना हो सकता है, समाज में कुछ सहयोग करना, कंट्रीब्यूट करना, ये आपका सपना हो सकता है, कर्जा चुकाना आपका सपना हो सकता है, अभी तक आपने अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट नहीं किया वो आपका सपना हो सकता है, आपका मंदिर बनाना एक सपना हो सकता है, पता नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग कारण हो सकता है। तो आप अपना खुद का कारण ढूंढिए कि ये बिजनेस मेरे को क्यों करना है। और जब कारण एक बार मिल जाए तो उस कारण की तरफ रोज देखते रहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। डोंट वेट अंटिल टुमारो, अपने सपनों को आज के आज लिखिए, कल का इंतजार मत करिए क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। दोस्तों आज के आज कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूं, क्या कारण है, उन कारणों को लिखिए और आज के आज अपनी डायरी में नोट डाउन करिए। और सपनों के पीछे, गोल के पीछे, लक्ष्य के पीछे एक बात बोली जाती है कि हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो एक्चुअली पिक्चर की भाषा और नंबर्स की भाषा को समझता है। तो पिक्चर फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और आज के आज अपने उसको चिपकाइए और उसको लगाइए और लगा करके उसको बार बार देखते रहिए जब तक वो कारण पूरा नहीं हो। दोस्तों आने वाले समय में जो भी आप सपना देख रहे हैं सिर्फ सबको लेकर के, वो जरूर आपका पूरा होगा। तो क्या क्या हो सकता है, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं? तो एक पास तो जो मौका है, आप पढ़ रहे हैं, खेती कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं एंड ऑफ रिजल्ट वहां से आपका क्या होने वाला है। तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं आज डिसाइड कर लीजिए। सिर्फ सबने एक मौका, आपको एक अवसर दे दिया है कि आप यहां से डायरेक्ट सेलिंग में आकर के टीम बना करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं, अपना कार्ड फाइंड आउट करिए। मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं, ये अपना कार्ड फाइंड आउट करिए। मैं किस तरह से अपना जीवन जीना चाहता हूं, इस तरह के आप अपने कारण अपने जीवन के बना सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के कुछ गोल्स रहते हैं। इस तरीके से एक फॉर्म में आप डिवाइड करते हैं तो आज आपको क्या एक सही डायरेक्शन और एक सही कारण आपको मिल जाता है। शॉर्ट टर्म वो कारण, वो आपके सपने, वो लक्ष्य जो उनको 3 से 6 महीने में आप पूरा करने चाहते हैं, जैसे आपके अच्छे जूते लेने का एक कारण हो सकता है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना आपका कारण हो सकता है यहां से, और आपका बाइक लेना हो सकता है, एक लैपटॉप अचीव करना हो सकता है, एक फोन अचीव करना आपका टारगेट हो सकता है, और हमारा कंपनी का जो टारगेट चल रहा है उसको अचीव करना भी एक आपका शॉर्ट टर्म का आपका एक गोल हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजें आप उसमें डालिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर छोटी छोटी चीजें मैं क्यों लिखूं? तो सो इसलिए लिखनी है छोटी छोटी चीजें भी कि आज तक आपने मान लेते हैं आज तक अपने जीवन में आपने 100 रुपए की टाई पहनी है, तो क्या 1000 रुपए की टाई लेना आपका लक्ष्य हो सकता है? हो सकता है। क्या आपके जीवन में वो बड़ी बात है कि नहीं? क्योंकि आपने आज तक पैसे कमाए, जितने भी आप कमा रहे हो वहां से 100 रुपए की टाई पहनी है, लेकिन सिर्फ सबसे कमा करके आप 1000 रुपए की टाई लेना चाहते हैं, ये आपका एक अचीवमेंट हो सकता है। आज तक आपने अपने जीवन में 3-4 हजार तक के जूते पहने हैं, आपके 10-15-20 हजार के जूते पहनना आपका सपना हो सकता है। आज तक आपने अपने जीवन में 2000-4000 का ही सूट पहना है, 10000 का सूट पहनने का आपका सपना बन सकता है। आज तक आपने 10000 का फोन चलाया, 20000 तक का फोन चलाने का आपका सपना हो सकता है। तो ये छोटे छोटे कारण, आज तक आपने अपनी वाइफ को क्या है 1000 रुपए तक की साड़ी दी है, 5000 रुपए तक की साड़ी देने का आपका सपना हो सकता है।
अपने पेरेंट्स को भी कुछ गिफ्ट करने का आपका सपना हो सकता है, और बच्चों को आज तक आपने कुछ भी गिफ्ट नहीं किया, उनके लिए 1,500 रुपए का टॉय दिलाने का भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है, या उनको 5-स्टार होटल में 1 नाइट स्टे को स्टे कराना, या उनको डिनर पे लेके जाने का आपका सपना हो सकता है। ये छोटे मोटे आपके कारण हो सकते हैं, 10,000 रुपए का कर्जा, 20,000 रुपए का कर्जा, 50,000 रुपए का कोई कर्जा, उसको चुकाने का आपका कारण हो सकता है, या हमको लॉयल्टी क्लब में आना है, 100% यूजर में हमको आना है, और हमको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट कंपनी के हमारे पास होने चाहिए डेमोस्ट्रेशन करने के लिए और यूजेस करने के लिए, वो भी यहां से कमा करके खरीदने का आपका सपना हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में, ये पूरे जब हो, एक एक करके पूरे जब होते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, हमको हिम्मत, हमको साहस, हमको ऊर्जा मिलती है कि मेरा ये सपना पूरा हुआ तो अगला भी हो। छोटे छोटे ड्रीम पूरे करके आपके बड़े बड़े ड्रीम भी आपके पूरे हो सकते हैं। तो मिडिल टर्म में बोल आप टारगेट डाल सकते हैं जो कि आप 1 से 2 साल में पूरा करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो 3 से 4 साल 5 साल में डायमंड बनने का, 10-20 हजार की टीम बनाने का, 2 लाख रुपए पर भी, 4 लाख रुपए पर भी कैपिंग के चेक कमाने का आपका लॉन्ग टर्म में टारगेट हो सकता है, और लग्जरी कार लेने का, बड़ा घर बनाने का आपका सपना हो सकता है। 1-2 साल के सपनों, लक्ष्य में, ड्रीम में, गोल में आपके टारगेट हो सकते हैं, छोटी मोटी कार लेने का हो सकता है, और छोटा मोटा प्लॉट लेने का आपका टारगेट हो सकता है, देश विदेश की यात्रा करने का आपका टारगेट हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपने अपने टारगेटों को आप डिवाइड कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। स्मार्टफोन में अपने टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, स्पेसिफिक मीन्स क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल जो नापा जा सके, अचीवेबल जिसको प्राप्त किया जा सके, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। इस फॉर्म में हम बनाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सीधा 1 साल के अंदर ही लग्जरी कार लेने का, क्राउन एम्बेसडर बनने का, डायमंड बनने का लक्ष्य बना लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपना टारगेट, कार लूंगा बोलते, कार लूंगा भाई, कार तो नैनो भी आती है, कार जगुआर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, कौन सी कार। तो स्पेसिफिक कीजिए, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो। इस फॉर्म में हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूं यहां पर आपको कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका एक ही मजबूत कारण आपको आगे बढ़ा सकता है। तो अपना मजबूत कारण बनाइए और उस मजबूत कारण को बना करके लगातार लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, जब तक कि वो कारण, वो मकसद आपका पूरा या वो लक्ष्य आपका पूरा न हो जाए। दोस्तों अभी आपका कारण जो होना चाहिए वो होना चाहिए कंपनी का दिया हुआ टारगेट जीतना आपका, इस समय पर जो ग्रीस का टारगेट है, थाईलैंड का जो टारगेट है, उसको जीतना आपका सबसे पहला मेन मकसद होना चाहिए, उस टारगेट को फाइट करने का। दूसरा आपका मकसद होना चाहिए, वो मकसद होना चाहिए फर्स्ट रैंक अचीव करने का। फर्स्ट रैंक अचीव करिए और दूसरा क्या करिए, अपना कंपनी का जो टारगेट है उसको आप अचीव करिए। ये तो हमारे सिस्टम की ओर से रेडीमेड टारगेट हैं, और बाकी छोटे मोटे टारगेट गोल्स जो हैं वो आप अपने बना सकते हैं। अगला काम क्या है, अगला काम है लिस्ट। हमने अपने ड्रीम्स बना लिए, लक्ष्य बना लिए, कारण बना लिए, मकसद हमारा क्लियर कट हो गया कि हमको ये काम क्यों करना है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए क्या होगा, अगला काम है हमारा लिस्ट बनाना, सूची बनाइए। किसकी, लोगों की। ये हमारा काम क्या है, लोगों का काम है, तो लोगों का नाम हमको लिखना होगा, क्योंकि लोगों को हमको इस बिजनेस में लाना है, तो उसकी लिस्ट हमको बनानी होगी। तो लिस्ट के बारे में कुछ बातचीत करते हैं छोटी मोटी। नंबर एक है लिस्ट, जो है लिस्ट में हम नाम लिखने से पहले हम देखें कि वो व्यक्ति सोशल हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो और मेंटल हो। अगर ये 4 स्केल्स पर अगर वो व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको इस बिजनेस में आने के चांसेस ज्यादा हैं, उसको आप मार्किंग के तौर पर आप ज्यादा नंबर्स दे सकते हैं। वो व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति भी है, पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा उसमें 10-20 हजार रुपए खर्चा पानी करने के लिए, अपने यूजेस के लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे भी हैं, और थोड़ा क्या है, मेंटल है, थोड़ा समझदार भी है, जो इस बिजनेस को समझ सकता है। अगर इस क्वालिटी का बंदा है तो मैं बोल सकता हूं इस क्वालिटी के बंदे को आप अपनी लिस्ट में डालते हैं तो 100% वो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो 4 क्वालिटी, अगर 3 व्यक्ति की क्वालिटी, अगर 3 क्वालिटी उसके अंदर है तो उस व्यक्ति के इस बिजनेस में आने के 80% चांसेस हैं। इसके अंदर 2 क्वालिटी है, उस व्यक्ति के इस बिजनेस में आने के 60% चांसेस हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर 1 क्वालिटी है उसके बिजनेस में आने के 50% के चांसेस हैं। तो आप कोशिश करिए कपी लिस्ट में इस कैटेगरी, इस स्केल पर
मापने के बाद अगर आप लोगों के नाम लिखते हो तो 100% आपको सक्सेस यहां से मिल सकती है। लेकिन दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए बात है आती है, तो हमको क्या करना है, हमको लोगों की नामों को उस लिस्ट में शामिल कर, लिस्ट जो बनानी है। हम लोग बोलते हैं सर हमारे फोन में लिस्ट है, मेरे यहां पर लिस्ट है, मेरे वहां लिस्ट है, नहीं, हमको भी डायरी पर लिस्ट को मेंटेन करना है, डायरी पर लिस्ट बनानी है, जो हमको लिस्ट बनानी है उसमें हमको लोगों के नाम लिखने हैं। और हर व्यक्ति 50, 100, 200, 500 लोगों को जानते ही जानता है, हर व्यक्ति जानता है। तो हम कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी मतलब कमजोर व्यक्ति हो, कितने भी कम लोगों को जानता हो, फिर भी वो 50 लोगों को, हम जब शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी में, कोई भी हम एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे घर पर 50-100 लोग तो आराम से उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आई जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कम से कम 50 लोगों की हमको लिस्ट बनानी है। और दोस्तों लिस्ट के बारे में की बात बोली जाती है, जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उसका छोटा बिजनेस, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। तो हमको जितनी बड़ी से बड़ी लिस्ट हम बना सकते हैं उस लिस्ट को हम बनाएं, और उस लिस्ट को बनाने में भी हम क्या करें, नीचे हम लिस्ट को डुप्लीकेट कराएं, हमारी टीम में भी जो लोग आ रहे हैं हम उसको क्या करें, डुप्लीकेट कराएं। तो अगर आपकी 50 की लिस्ट है, उस 50 की लिस्ट में से हम लोगों को नाम शामिल करते हैं, और अगर हमारे नीचे भी 50 लोग हैं उसको भी 50-50 की लिस्ट बनवाते हैं, तो 2500 की लिस्ट बन जाती है, और 50 लोग भी 50-50 की, 500 लोग भी, 2500 लोग भी 50-50 की लिस्ट बनाते हैं, तो 12500 लोगों की लिस्ट बन जाती है। तो हम कहने का मतलब ये, अगर तीसरे चौथे लेवल तक हम इस लिस्ट को डुप्लीकेट कर देते हैं, तो हम यहां से आराम से अपनी डायमंड शिप को अचीव कर सकते हैं। और क्या क्या करना है, मैं थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें आपको बीच में शेयर करना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है, लिस्ट में आने के लिए लोगों का नाम, इसमें हमारा क्या है, कच्चा माल है, जो हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो है हमारे लोग, जिनको हम जानते हैं, उनको हमें क्या करना है, हमको इस बिजनेस में लेकर के आना है। तो लेकर के जब आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें अपने लोगों के लिस्ट क्या है, किन लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनके हमको नाम को लिखना होगा। आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को जानते हो, क्या किसी को परमिशन लेने की जरूरत है कि मैं तेरा अपने लिस्ट में, इस बिजनेस के लिस्ट में नाम शामिल करूं या ना करूं, किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसमें उसका नाम लिख सकते हैं। आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बनाई होंगी, फॉर एग्जाम्पल कैसे, किसी शादी विवाह में, ब्याह में, बर्थडे पार्टी में, शादी की सालगिरह पर, और कोई भी सोशल एक्टिविटी जबकि उसमें आपने लिस्ट बनाई। तो हमें इसी तरीके से इस बिजनेस में भी जिन लोगों को हम लाना चाहते हैं उनकी एक एक करके उनका हमको नाम लिखना ही लिखना है, सारे लोगों की हम उनको लिस्ट बनाएं, आपके ग्राहक वर्ग की लिस्ट बनाएं, आपके मोबाइल में जितने लोग हैं उन लोगों को हम क्या करें, लिस्ट में नाम शामिल करें। हम कोशिश करें कि कैपिटल डायरी और एक पॉकेट डायरी, दो तरह की डायरी मेंटेन करें, जिससे क्या होगा, कैपिटल डायरी में भी लिखे और पॉकेट डायरी, पॉकेट डायरी को हमेशा बियर कर अपने साथ रखें, और कैपिटल डायरी को हमेशा घर में रखें, अगर किसी तरीके से वो हमारी डायरी मिस भी हो जाती है तो उसमें हमारे नाम क्या होंगे, हमारे पास कैपिटल डायरी में मौजूद रहेंगे, तो उनको हम जरूर शामिल करें। और मोबाइल में जितने भी लोग नाम है हमारे उनको भी हम क्या करें, लिस्ट में शामिल करें। योगेश जी बीच में ये आगे क्यों नहीं बढ़ता, ग्रेट मेंटर को दबा दो, इसको कीपैड को एक बार ऐसे करके बढ़ जाएगा। दोस्तों तो हमें क्या करना है, हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जहां से लोगों को हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट को हम थोड़ा और नंबर्स बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में लोगों के नाम शामिल करने के लिए एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है, इसमें भी हम लोगों को रख करके कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको हम लिस्ट में अपने लोगों को शामिल करें, जिनको हम जानते हैं, जिनके किसी तरीके से भी हमारे संपर्क में आए हैं, जो हमारे पढ़ने के टाइम पर हमारे दोस्त रहे हैं, या अभी हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उनके हम लोगों के नाम शामिल करें, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और क्या है, जो हमारी संस्थाएं, जहां जहां पर हमने एजुकेशन ली है, जब जब हमने पढ़ाई की, हमने इंटर क्वालिफिकेशन किया है, हमने हाई स्कूल किया है, या जब हमने ग्रेजुएशन किया है,
तो वो हमारे जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी हम लोगों को हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, एजुकेशनल फ्रेंड्स को हम शामिल कर सकते हैं, पड़ोसियों को हम शामिल कर सकते हैं, और रोजाना हम जिन लोगों से मिलते जुलते हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं, और अजनबी लोगों को भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप पान खाने के शौकीन है उनको शामिल करिए, आपका प्रेस करने वाला होगा, आपका दूध वाला होगा, आपके परचूनी की दुकान वाला होगा यहाँ से आप सामान खरीदते हैं, आपका सब्जी वाला होगा, आप यहाँ से सुनार की दुकान जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं वो होगा। तो जिस आप सोचिए जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आप जब जब आप आते हो तो उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में उसको शामिल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों हमको क्या करना होगा, और थ्रू द लिस्ट हमको और आगे बढ़ना है। जो लिस्ट है मान लीजिए हम अपने साले का नाम लिखते हैं, तो हमारे साले का भी तो साला होगा कोई, हमारा कोई जीजा है तो हमारे जीजा का भी तो कोई जीजा होगा। तो इस तरीके थ्रू द लिस्ट हम अपनी बड़ी से बड़ी लिस्ट हम बनाने की कोशिश करें, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। तो हम अपनी लिस्ट बढ़ाने पर, और ये लिस्ट जो है इसका कभी भी अंत नहीं होता, कभी खत्म नहीं। लोग बोलते हैं लिस्ट खत्म होगी, लिस्ट खत्म नहीं होती, तेरे अपने दिमाग में लिस्ट खत्म हो गई है। हम रोज घर से निकलते हैं, क्या हम 10-20-50 लोगों के संपर्क में नहीं आते क्या? आते हैं क्या? हम उनको लिस्ट में हेलो आए करके उनको लिस्ट में अपने नाम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। हम डाल सकते हैं। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। इसके लिए क्या करते हैं, एक 3-फुट रूल्स है, जो भी कोई व्यक्ति 3 फुट के दायरे में आता है उसको हम अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। क्या करिए, जैसे आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट में करते हैं, आप बस में ट्रेवल करते हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, या कहीं पर भी आप बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, कहीं पर भी आप हैं, जो आप लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो लोगों के बीच में ना रहता हो, तो क्या करिए एक लंबी सी एक स्माइल दीजिए, और वहां से भी एक स्माइल का अगर रिस्पॉन्स स्माइल में ही आता है तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे करके कि मेरा नाम सो एंड सो है, सर आपका नाम क्या है, तो थोड़ा सा स्माइल करके इंट्रोडक्शन दे करके उससे भी अपना नाम पूछ करके, सर आपसे बात करके अच्छा लग गया, अपना भी कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, और उससे भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है। आप पार्क में जाते हो, पार्क में भी आप, बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, योगा में करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी लोगों के आप संपर्क में आते हैं। तो आप क्या करिए, एक ही बात है, एक स्माइल करिए, वहां से भी स्माइल का संपर्क आता है तो आप हेलो आए करके अपना नाम बताइए, वो भी अपना नाम बताएगा, आप क्या करते हैं थोड़ा सा बताइए, और अपना नाम नंबर देकर के उससे भी अपना नंबर दे सकते हैं कि सर मुझे अच्छा लगा, एक मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब भी सर मौका मिलेगा जरूर आपसे बातचीत करेंगे। तो ऐसे करके हम अपनी लिस्ट लगातार लगातार बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर हम लिस्ट में नाम लिखते हैं तो एक फॉर्मूला है क्रैप, कपल, सी फॉर कपल, आर फॉर रेस्पेक्टेबल, ए फॉर एम्बिशियस, और पी फॉर प्रोफेशनल। अगर इस कैटेगरी के लोगों को हम लिस्ट में डाल करके और इन्वाइट करते हैं तो हमारे लोगों के ज्वाइन करने की जो संख्या है, इस बिजनेस में आने की संख्या है, जो रेशियो वो हमारा बढ़ जाता है। जैसे यहां पर 1, 2, 3, 4 स्टार लगे हुए हैं, अगर कपल में आप इन्वाइट करते हैं तो आप इसको 1 स्टार दे सकते हैं, कपल के साथ साथ वो व्यक्ति रेस्पेक्टेबल भी है तो उसको 2 स्टार दे सकते हैं, और साथ ही साथ वो एम्बिशियस भी है तो 3 स्टार दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये चौथी भी कैटेगरी उसके साथ में ऐड है, वो प्रोफेशनल भी है तो उसको 4 स्टार हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की छटनी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों का बिजनेस में लेके आएंगे तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति, हम इस बिजनेस को आगे लेकर के जाना चाहते हैं या नीचे लेकर के जाना चाहते हैं? मेरे को लगता है हर व्यक्ति इसको, इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहता होगा और आगे बढ़ाना चाहेगा। तो हम क्या करें, कम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को इस बिजनेस में, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार मैच्योर लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आए, क्योंकि उनका सर्कल भी ऐसा ही होगा। अगर हम किसी अनपढ़ व्यक्ति को, एक लोअर प्रोफाइल को, इस व्यक्ति को हम इस बिजनेस में लेकर के आएंगे तो क्या करेगा, उसका भी संपर्क वैसे ही लोगों में होगा, उसकी भी लिस्ट वैसे लोगों में जाएगी, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस नीचे की तरफ जाएगा। हम बैंक मैनेजर को लेकर के आएंगे और बैंक मैनेजर को लेकर के आएगा तो ऐसे बिजनेस में जाएगा, अगर चपरासी को लेकर के जाएंगे तो चपरासी के बीच में बिजनेस जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि हम अच्छे प्रोफाइल के लोगों को लेकर के आते हैं, एजुकेटेड एमबीसीएस प्रोफेशनल लोगों को लेकर इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस हमारा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसका मतलब मेरा कतई नहीं है कि हम अनपढ़ लोगों को या लोअर प्रोफाइल को बिजनेस में ना लेकर के आए, आप ला सकते हैं, लेकिन देखिए क्या वो व्यक्ति वास्तव में एमबीसीएस है,
क्या वास्तव में वो अपना जीवन बदलना चाहता है, वास्तव में वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इस बिजनेस ने बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां को तोड़ दिया है और हर चीज की फाउंडेशन को खत्म कर दिया है। हर प्रोफेशन का व्यक्ति आकर के इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ाया और सफल हुआ है। यहाँ पर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हो रहा है, अनपढ़ व्यक्ति भी सफल हो रहा है, और यहाँ पर टायर पंक्चर जोड़ने वाला व्यक्ति भी, किसान व्यक्ति भी, और चपरासी भी, हाई स्कूल फेल भी, हर व्यक्ति, हर प्रोफाइल का व्यक्ति भी, आर्मी बैकग्राउंड का, पुलिस वाला भी, इंजीनियर, डॉक्टर, हर व्यक्ति भी यहाँ से सफल हो रहा है। तो बिना दिमाग लगा करके कि ये व्यक्ति आएगा या ये नहीं आएगा, आपका एक ही काम है, बिना दिमाग लगा करके आप लोगों को क्या करिए, लिस्ट में शामिल करिए। दोस्तों शुभारंभ हमारी लिस्ट बुक है जो हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमको प्रोवाइड कराई हुई है, इसको जरूर लें। और इसमें लिस्ट कैसे बनानी है और लिस्ट बनाने का क्या फायदा है और किस तरीके से हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट इसमें दिया गया। इसमें आप लिस्ट बनाते हो तो आपके बिजनेस में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ सकते हो, और किस तरीके से हम इस लिस्ट का ज्यादा फायदा ले सकते हैं इसके अंदर बेहतरीन तरीके से दिया गया। तो शुभारंभ में लेकर के उसमें अपनी लिस्ट बनाइए। अगला बात आती है इनविटेशन। दोस्तों हमारा ड्रीम, हमारा कारण हमको मिल गया और हम इस बिजनेस में जिन लोगों को लेकर के आना चाहते हैं उसमें हमने ज्यादा से लोगों की लिस्ट बना दी, वो हमारा क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। अगली बात आती है इन्विटेशन करना। दोस्तों ये बैठे बैठे काम करना था, इन्विटेशन का मतलब है आप घर से बाहर निकल के लोगों को इनवाइट करना। तो इन्विटेशन के समय पर हमको क्लियर द नाइट करें और इन्विटेशन करते समय इन्विटेशन टूल्स का हम क्या करें, इस्तेमाल करें। अभी दोस्तों उस वक्त आ गया है जिस तरीके से हम लोग पहले काम करते थे वेन्यू पर, हम अब कोविड की सिचुएशन लगभग खत्म हो चुकी है, जितना भ्रम था, लोग डर रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी हम सब लोग मिलकर के ज्यादा से ज्यादा अपने वेन्यू स्टार्ट करें, चाहे छोटे लेवल पर स्टार्ट करें, लेकिन हम स्टार्ट करें जिस तरीके से आज से 8-9 महीने पहले हम लोग काम करते थे, आज हमको उसी फॉर्मेट पर आकर के हमको आज काम करने की जरूरत है। दोस्तों अच्छी बात है, इस कोविड के ड्यूरेशन में इस जो पैनिक सिचुएशन जो रही है पिछले 6-7 महीने के अंदर, उस समय पर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत बेहतरीन तरीके से हमने काम किया, लीड करके दिखाया, और बाकी की सारी इंडस्ट्रियां त्राईमाम कर रही थी और लोग परेशान हो रहे थे, उस समय पर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके डायरेक्ट सेलिंग में और सेट शॉप में और अल्टीमेट अचीवर में हमने तहलका मचाया और हम लोगों की इनकम में लगातार बदली, रिकॉग्निशन लेवल्स बदले और लोग 1 लाख से 2 लाख रुपए पर वीक पे पहुंचे और 4-4 लाख रुपए पर वीक पर भी पहुंचे। लेकिन दोस्तों हम इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो अभी फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लगातार अभी जिस तरीके से हम लोग वीक में बुधवार को, बृहस्पतिवार को भी वेन्यू करते थे, प्लान करते थे और संडे को प्लान करते थे, उसी तरीके से वेन्यू बुक करके अब फिजिकल एक्टिविटी करने का वक्त आ गया है। और फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए अभी आपको इनविटेशन लोगों को करने होंगे। तो मैं सभी एसोसिएट से और सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी एक्टिविटीज कंडक्ट करना चालू कर दीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ आप सभी लोगों को हिदायत दीजिए कि वो लोग मास्क पहन करके आए और अपना सैनिटाइज लेकर के आए, और जिस व्यक्ति को भी फीवर है वो बिल्कुल भी वहां पर ना आए। लेकिन दोस्तों अभी हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और हमको अभी क्या करना पड़ेगा, गैदरिंग वाली एक्टिविटीज को कंडक्ट करके हमको प्लान वेन्यूज स्टार्ट करने होंगे, और बहुत सारे लोगों ने वेन्यूज को स्टार्ट कर दिया है। और अभी इन्विटेशन टूल्स का मतलब है हम अपने इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से ही लोगों को इन्वाइट करें तो हमारा इन्विटेशन क्या है, ज्यादा प्रभावी रहता है। क्योंकि दोस्तों शादी के अंदर हम किसी को बिना इन्विटेशन कार्ड के बुलाएं तो व्यक्ति ना कर सकता है, लेकिन हम फिजिकल व्यक्ति को जाकर के मिल करके इन्वाइट करते हैं और वो भी इन्विटेशन कार्ड के साथ, तो वो जरूर समय निकाल करके हमारे प्रोग्राम में आएगा। तो दोस्तों अभी वक्त आ गया है कि हम जाकर के इन्वाइट करें। इन्विटेशन करते समय पर हम कुछ डॉट्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है ये नहीं बताना, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस पर डिस्कस नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, और डोंट ड्रिंक टी एंड ऑफ होम, उस व्यक्ति के घर पर जाके चाय पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय कॉफी नहीं पीनी। ये क्यों नहीं कहना करना, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना। क्यों नहीं बताना, क्योंकि कंपनी का नाम जैसे हम बोलते हैं तो आदमी क्या करता है, तरह तरह की बातें दिमाग में निकालना शुरू कर देता है। नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना कि यहाँ करना है, टीम वर्क करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, ये करना। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं करना पड़ता, यहाँ पर हमको सामान नहीं बेचना पड़ता, यहाँ मेंबर नहीं बनाने पड़ते,
यहाँ प्रमोशन का बिजनेस है, यहाँ हम प्रमोट करते हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर आए खुद देखे समझेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता नहीं, यहाँ पर व्यक्ति अपनी अपनी स्वेच्छा के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करता है, जो कि वो प्रोडक्ट वो मार्केट से कहीं ना कहीं से ऑलरेडी कर रहा था, ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चेंज करता है, वो वहां से ना करके यहां से करता है, यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। डिस्कस कौन, पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर डिस्कस नहीं करना। हम क्या करते हैं, एक जगह पर पहुंच जाते हैं, वहीं पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के इन्विटेशन कार्ड बांटते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हरी जल्दबाजी में किसी को इन्विटेशन बिल्कुल भी ना करें, कोई ऑफिस के लिए जा रहा है, कोई हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, या कोई घर के लिए जा रहा है, तो बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में बिल्कुल इन्विटेशन ना करें। हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में जब व्यक्ति हो तभी उसको हम इन्वाइट करें। डोंट ड्रिंक टी एट होम, उसके घर पर हम चाय पानी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। क्यों, क्योंकि जब अब चाय बनेगी तो उसमें 4-10 मिनट का समय लगेगा, और 4-10 मिनट का समय जब लगेगा तो व्यक्ति पूछ ही लेगा क्या करना होता है, क्यों बुला रहे हो, क्या काम है, कैसे है, कितने पैसे लगेंगे, कौन सी कंपनी है, ऐसा है वैसा है। आप बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, और आपका सुपर डुपर फ्लॉप इन्विटेशन होगा। सुपर डुपर हिट इन्विटेशन वो होता है जितना शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन होगा वो सुपर हिट आपका इन्विटेशन होगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन करें कि सर एक बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से या किसी की तरफ से आप बोल सकते हैं, शब्द लगा सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट तरीका नहीं इन्विटेशन, इन्विटेशन हर व्यक्ति अपने अपने तौर तरीके से करके वहां पर बुला सकता है, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन आप कंडक्ट करके हम बुला सकते हैं और उस व्यक्ति को ये पूरी की पूरी जानकारी दिला सकते हैं। SW5 रूल्स, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम विल इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। दोस्तों जब हम इन्विटेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव छवि आती है कि सर मैं 10 लोगों को बुलाया था, 20 लोगों को बुलाया था, एक भी नहीं आया, या 2 आया, 4 आए। दोस्तों इस बात का हमको ध्यान रखना है कि 100% रिजल्ट कहीं पर भी नहीं आते और यहां पर भी नहीं आएंगे। तो आप एक बात का फॉर्मूला क्या याद रखना है, SW5 रूल्स, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्किंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हम अपने कार्य को क्या रखना है, जारी रखना है। दोस्तों आपका जीवन बदलने के लिए हजारों या लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, आपको अपना जीवन बदलने के लिए, डायमंड बनने के लिए, लग्जरी लाइफ अचीव करने के लिए, कैपिंग चेक अचीव करने के लिए 4-6-10 लोगों, अच्छे लोगों की ही जरूरत है, जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस हैं, ऐसे चंद लोगों को ही खोजने की जरूरत है। चंद लोग लेफ्ट में और चंद लोग राइट में जब आपके आते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आप अपने कार्य को जारी रखना पड़ेगा। दोस्तों प्लेइंग कार्ड्स आपने देखे होंगे, तांस की गड्डी देखी होगी जिसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 इक्के होते हैं, लेकिन जब 52 पत्ते ऐसे रखे होते हैं तो किसको पता होता है कि इक्के कहां पर है, किसी को नहीं पता होता। एक ही तरीका है सिर्फ और सिर्फ, वो तरीका क्या है, पत्ते पलटिए। लेकिन लोग 4 पत्ते पलटने के बाद, 10 पत्ते पलटने के बाद, 20 पत्ते पलटने के बाद बोलते हैं इसमें तो इक्के है ही नहीं, तो क्या कभी उसको इक्के मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर हौसला हिम्मत है, उसको विश्वास है कि पत्ते पलटता रहूंगा, पलटूंगा तो इक्के जरूर मिलेंगे, तो दोस्तों डेफिनेटली उसको, किसी को शुरुआत में इक्के मिलेंगे, किसी को बीच में मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो व्यक्ति पलटता रहेगा तो 49, 50, 51, 52 ये 4 इक्के उसके पास होंगे, और 4 जब इक्के पास होंगे तो बाजी उसकी होगी। इसी तरीके से जो व्यक्ति 50, 100, 200 लोगों को प्लान दिखाने की हिम्मत रखता है, साहस रखता है, तो 4-10 लोग उसके साथ अच्छे लोग जरूर आएंगे, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे और आपका जीवन जरूर बदलेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, लगातार लोगों को बिना रुके, पर भी जब भी प्लान हो हमको बिना रुके हमको इनविटेशन करना होगा, चाहे हमारा ऑनलाइन प्लान हो रहा हो, चाहे हमारा फिजिकल प्लान हो रहा हो, लगातार हम 10-20-50 लोगों को हम क्या करें, इनवाइट करते रहें और बुलाते रहें। कुछ एक चीजें जो हमको ध्यान रखनी है इनविटेशन के समय पर, ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने ड्रीम बनाए वो घर पे बैठ करके बनाए, लिख लिए डायरी में, आपने लिस्ट बनाई वो भी आपने क्या किया, घर पे बनाई, बाहर नहीं निकले। लेकिन इन्विटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इन्विटेशन के समय पर कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है वो क्या है,
आपके अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता, आप जितना भी जानते हो उससे ज्यादा जानते हो। इसका मतलब क्या है, आपकी जानकारी उससे ज्यादा है, इस बात का आपको ध्यान रहे हमेशा। लोग घबराते हैं इन्वेस्टमेंट करते समय पर, जाते नहीं है कि पता नहीं है, डर लगता है। एक बात बोली जाती है हमारे बिजनेस में, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, क्या है सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों लोग तो हर किसी को बोलते हैं, लोगों ने किसको छोड़ा, लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, लोगों ने साइंटिस्टों को भी नहीं छोड़ा। तो हमारी और आपकी औकात क्या है, जब आप कुछ नहीं करते हो तब भी लोग बोलते हैं, जब कुछ करते हो तब भी लोग बोलेंगे, और जिस दिन कुछ आप बन जाओगे तब भी लोग बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना, लोग तो हमेशा क्या है बोलते रहेंगे। आज नेगेटिव बातें करेंगे, जब शुरुआत होगी तब से नेगेटिव बातें करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा चलता नहीं है, ये सब बेकार की बातें। जब धीरे धीरे करके आप काम करते रहोगे तो फिर आपका विरोध करना चालू करेंगे, आपको रोकना चालू करेंगे, आपको टोंट मारना चालू करेंगे, आपके आपके प्रति गलत प्रचार प्रसार करेंगे। और जब आप कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे, तब भी लोग बोलेंगे हमें तो पता था कि एक दिन आप जरूर कामयाब होगे, आप तो कर जाओगे लेकिन हम नहीं कर पाए। तो लोगों का काम है हमेशा बोलना, लोग बोलते रहेंगे, लोगों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमारा एक ही काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना और अपनी जानकारी शेयर करना। आप कुछ दे रहे हैं मांग नहीं रहे हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। गिवर का एटीट्यूड, आप किसी को देने जा रहे हैं मांगने नहीं जा रहे हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे उसका जीवन बदल सकता है, उसके परिवार में खुशहाली आ सकती है, तो आप गिवर का एटीट्यूड लेकर के जाइए। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, एक मौका एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रहे। आप सरल तरीके से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें है, उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में नहीं है। आप जब भी आप जाएं उससे बात करें, उससे बोलें, सर मेरे को आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप पे इंटरेस्ट है, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं, आपकी जो संघर्ष भरी लाइफ है इससे मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूं, मैं आपको कॉपरेट करना चाहता हूं, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वो एक समझदार व काबिल व्यक्ति है जो आप निर्णय खुद ले सकते हैं। उससे आप बार बार बोलिए, जब आप इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो पूछता है सर ये है वो है, कि सर आप आइए खुद देखिए, आप मेरी नजरों में बहुत समझदार हैं, मैं भी चल रहा हूं, मैं भी इस कॉन्सेप्ट को देख रहा हूं, मैं भी समझता हूं, आप भी देखिए, आप एक समझदार व्यक्ति है मेरी नजरों में, आप भी मेरे को इसमें सजेस्ट करना कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है, ये जानकारी कैसी है, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे निर्णय लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, मेरा भी आप निर्णय लेने में मेरी मदद करिए। तो ऐसा बोल सकते हैं, यह निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का व्यापार नहीं है। तो दोस्तों आप निर्णय दिलाइए लोगों को और उसको बोलिए सर ये निर्णय लेने का काम है, किसी को दबाव मत दीजिए, प्रेशर मत बनाइए, और उसको बोलिए सर आप समझदार व्यक्ति, आप खुद निर्णय ले सकते हैं, आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान तथा क्या करिए गंभीरता से करिए, ऐसी टालमटोली मत करिए, सीरियसली करिए और सम्मान के साथ करिए। याद रखिए इनविटेशन में क्या कहते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं उसमें, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी भावना कैसी है, कैसे बोला आपने, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनविटेशन में और क्या ध्यान रखना है, इनविटेशन का मतलब है जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख समय और जगह बताते हैं, पूरा मेनू शेयर नहीं करते खाने का, उसमें क्या क्या बनेगा,